हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको राजपूती आटकली का लहंगे की कटिंग करना सिखाएंगे एंड उसके कुछ स्टेप भी स्टिचिंग करना आपको बताएंगे। ये हमारे पास कपड़ा है, येलो कलर का हमने कपड़ा लिया है। इसमें हमने रेड या पिंक कलर का हमने इसके अंदर गुना निकालने। सो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। लहंगे की जो लेंथ है वो हमारी 38 है, 38 इंच का हमारा लहंगा तैयार है। सबसे पहले हमने 4 मीटर का कपड़ा लेना है, उसको हमने अच्छे से इसको डबल फोल्ड कर लेना है। एक बार हम उसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और एक बार इसको एक बार और फोल्ड कर लेंगे तो इसी तरह से हमारा ये डबल फोल्ड हो जाएगा। आप ध्यान रहे फ्रेंड्स, हम किस तरह से इसको फोल्ड कर रहे हैं आप अच्छे से देखते रहना। और जो लहंगे की लेंथ है हमारी 38 इंच की, और जो हमने पल्ले कट करने हैं वो हमने जितनी भी हमारी लेंथ होती है उसमें से हमने 2 इंच कम करना है। हाँ फ्रेंड्स, हमें सिर्फ 2 इंच ही कम करना है, एक्स्ट्रा जो भी है वो मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि कई बार क्या होता है हम 2 इंच एक्स्ट्रा जोड़ते हैं फिर उसमें से लेस करते हैं। सो वो वाली प्रॉब्लम अब नहीं है इसके अंदर। सो आपको सिर्फ जितनी भी आपकी लेंथ है लहंगे की उसमें से सिर्फ 2 इंच कम करनी है। 38 इंच का हमारा लहंगा है तो इसमें से हमने 2 इंच कम करके 36 इंच के हमने इसके पल्ले कट करने हैं। सो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं शुरू। सबसे पहले हमने इसको डबल फोल्ड कर लिया। आप ध्यान से देखना फ्रेंड्स, इसको हमने डबल फोल्ड किया। यहाँ से हमारा एक साइड से ओपन है और एक साइड से हमारा जॉइंट है, यहाँ से हमारा दोनों जॉइंट है। सो इस तरह से हमने इसको डबल फोल्ड करके तय कर देना है। इसके हमने टोटल 4 पल्ले कट करने हैं। ये कट करेंगे तो हमारे 2 पल्ले कट होंगे। इसके बाद सेम एज इट इज़ हमने एक बार फिर से यही रिवर्स करना है। सो हम आपको कटिंग करते टाइम दिखा देंगे। यहाँ पर हमने 36 इंच का निशान लगा दिया है। ये 36 इंच के हमारे दोनों पल्ले पर निशान लगा के इस डबल फोल्ड इसलिए करवा रहे ताकि हमारी कटिंग में आसानी होए, जोल नहीं आए, इसीलिए हमने इसको डबल फोल्ड कर लिया है। अदरवाइज़ आप वैसे भी कट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। सो यहाँ पे हमने 36 इंच का निशान लगा दिया। आप देख ही रहे हैं दोनों निशान को हम अच्छे से मिला देंगे और सीधी लाइन के ऊपर ही हमें कट करना है, वरना जो लहंगे की जो छोटी बड़ी कलियाँ हमारी हो जाएंगी। सो आप देख ही सकते हैं इस तरह से हमने कट करेंगे। साइड में से जो एक साइड से हमारा जॉइंट था उस जॉइंट को भी हमने अलग करना है फ्रेंड्स। आप इसी तरह से हमने सेम एज इट इज़ एक बार और फिर से 2 पल्ले और कट करने हैं। इसी तरह से हम आपको कटिंग करते टाइम दिखा देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब जो जहाँ से हमने कट करना है यहाँ पे हमें जो कट नहीं करना, यहाँ पे जो हमारा जॉइंट है सिंगल वाला हमें सिर्फ यहाँ से ही कट करना। अब वहाँ से कट कर देंगे तो आपके टोटल ये 4 पार्ट्स कट हो जाएंगे जो कि लहंगे में कोई यूज़फुल नहीं है। सो हम यहाँ से कट करेंगे इसको। ध्यान रहे फ्रेंड्स, यहाँ से कट करने के बाद हमारे पास 2 पल्ले अवेलेबल हो जाएंगे। हम आपको खोल के दिखा देंगे अच्छे से, आप लहंगे के पल्लों को अच्छे से देख सकते हैं। सो आपकी जितनी भी 40 का लहंगा बना रहे हैं तो आप 38 की कलियाँ पल्ले कट करेंगे, 42 का करें तो आप 40 का करेंगे। 2 इंच हमें कम करना है। ये आप देख ही रहे हैं हमारे पास 2 पल्ले अवेलेबल हो चुके हैं। अब सेम एजेज हमने 2 पल्ले और कट करने हैं। इसी तरह से जैसे हमने पहले कट किया था वैसे ही हमने 2 पल्ले और कट करने हैं। सेम प्रोसेस हमें यही एक बार फिर दोहराना है इसको अच्छे से। ध्यान रहे फ्रेंड्स, जो पल्ले हमारे वो सिर्फ 4 पार्ट्स होने चाहिए, इसके अलावा हमारा एक्स्ट्रा पार्ट नहीं होना चाहिए। 4 पल्ले होंगे तभी हमारी 8 कलियाँ बनेंगी। और जो 12 कली का है उसमें हम एक्स्ट्रा जॉइंट ले लेते हैं या फिर हमारी जो कलियाँ हैं वो हम छोटी कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, आप देख ही सकते हैं यहाँ पे हमने 8 कली का इस तरह से पल्ले को कट कर लेंगे। पल्ला कट करने के बाद जो हम लहंगे का हमारे पास जो कपड़ा है वो 2.5 मीटर होना चाहिए। 2.5 मीटर के अंदर हमारा राजपूती लहंगा कट होता है। इसमें जो मगजी की है वो भी कटिंग हम आपको दिखाएंगे। आप ये देख ही रहे हैं सेम एज इट इज़ हमने 36 इंच का पल्ला कट कर लिया है। ये भी सेम हमने इसी तरह से कट करेंगे। हम दोनों निशान को मिला देंगे, इस निशान के ऊपर ही हमने कट करना है और जहाँ से हमारा साइड से जॉइंट है वो भी कट करना है। इसी तरह से आप जितनी भी आपकी लहंगे की लेंथ होती है वो हमने सेम एज इट इज़ कट करनी होती है, 2 इंच कम करके। फ्रेंड्स, आपको अगर समझ आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ आ रहा तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप मैं पूरी कोशिश करूंगी समझाने की। मेरे पास कमेंट भी आते हैं कि दीदी आपने कट कैसे किया, अगर हमारी कमर इतनी होती तो हम कितना साइज़ लेते। सो आपको मैं अच्छे से इसमें, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो मैं हर वीडियो में छोटे छोटे पॉइंट्स बताती हूँ। अगर आप वीडियो कट करके सुनेंगे तो इसमें आपको क्या क्या ही समझ आएगा।
तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप अच्छे से समझे। ये आप देख ही रहे हैं फ्रेंड्स, हमारे पास चार पल्ले हो गए हैं। सो अब पल्ले कट करने के बाद ध्यान रहे फ्रेंड्स, आपको दोबारा समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप एक बार ही अच्छे से समझ लेंगे। ये पल्लों को हमने इक्वल डायरेक्शन में सेट करने हैं। पहला पल्ला हमने सीधा रखा है, उल्टी साइड नीचे रखी है। सेम पल्ले हमने चारों सेम इसी तरह से रखने हैं। चारों पल्ले हमने सीधे हैं वो ऊपर की साइड रखना है, और जो उल्टा है वो हमें नीचे की साइड रखना है। अगर आपने ऊपर नीचे कट किया, उल्टा सीधा रखा, तो आपके जो कलियां हैं वो गलत कटेंगी। सो हम आपको फिर से बता रहे हैं, जो चारों पल्ले हमें सेम डायरेक्शन में रखने हैं, सीधे के सीधे। इसी अब फ्रेंड जो आगे जो हमारी कली कट होंगी वो हम आपको अच्छे से समझाएंगे। अब वीडियो कट करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। सो मेरा तो यही कहना है कि आप इक्वल ही समझेंगे। हमारे पास देख सकते हैं चार पल्ले हो गए हैं, एक दो तीन, और ये हमारे पास चौथा। चार पल्ले हमारे इस तरह से कट हो गए हैं। अब इनको कलियों में कैसे कट करना है, ध्यान रहे फ्रेंड्स, जितनी भी आपकी कमर है उसमें 2-3 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं आप। जितने आप लहंगे की जो आपकी कमर होती है उस कमर में हमको 8 से डिवाइड करना है। 8 से डिवाइड करने के बाद जितना भी हमारे पास निशान आएगा उसमें हम कट करेंगे। यहाँ हमारे पास 6 इंच का निशान आया, 6 इंच 34 34 कमर वालों के लिए, 36 कमर वालों के लिए, 32 कमर वालों के लिए 6 इंच का निशाना सही रहेगा। सो आप देख ही सकते हैं हमने राइट हैंड में हमारी तरफ निशान लगाया है, और लेफ्ट हैंड में हमने अपोजिट साइड लगाया है निशान। अब इन निशानों को हम अच्छे से मिला देंगे। ध्यान रहे फ्रेंड्स, जो हमने राइट साइड लगाना है वो हमने अपनी साइड लगाना है 6 इंच पे, और जो लेफ़्ट साइड है वो हमें अपोजिट साइड में 6 इंच पे निशान लगाना है। ये आपको वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो सिलाई करते टाइम जो है वो आपको इस तरह से सही डायरेक्शन पड़ेगा, अदरवाइज जो सिलाई करने में प्रॉब्लम आएगी। आप लेफ़्ट हैंड से भी कट कर सकते हैं, लेकिन आपको इस तरह से कट करेंगे तो आपको सिलाई में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो आप देख ही सकते हैं फ्रेंड्स, मैं फिर से वही बात आपको रिपीट करना चाहूँगी कि आप मेरी वीडियो एंड तक देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर आप कट करके देखोगे फिर बाद में मेरे से कमेंट करके पूछोगे तो मैं चाहे कितना भी समझाने की कोशिश कर लूँ आपको समझ नहीं आएगा। सो आप देख ही सकते हैं हमने ये कट करने के बाद 8 कलियाँ हमारे पास हो चुकी हैं। 4 हमारे पास ये हो गई, 4 हमारी सामने वाली हो गई। अब इनको जॉइंट किस तरह से करना है वो हम आपको अच्छे से बता देंगे। ये देख ही सकते हैं, एक साइड से हमने किनारी वाली साइड जो हमने अपनी साइड रखेंगे, और अपोजिट वाली हम सामने रखेंगे। अब 1 बाय 1 करके एक के बाद एक कली को इस तरह से जॉइंट करेंगे। ये देखिए, हमने नीचे वाली किनारी पे उल्टा रख के इसको इस तरह से जॉइंट करना है। सेम चारों कलियाँ हमने इसी तरह से इसी पैटर्न में जॉइंट करनी है। सो आप देख ही सकते हैं इस एक के बाद एक, अब 1 बाय 1 इस तरह से जॉइंट करेंगे। अब जो दो दो पार्ट्स हमारे पास जॉइंट मिलेंगे उसको भी सेम हमने एक दूसरे के साथ ऐड करते जाना है। सो टोटल हमारे पास चारों सेट में लहंगा पूरे अच्छे से 8 कली का लहंगा हमारा बन जाएगा। मगजी जो है वो हम आपको स्टिचिंग की वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लेकिन उसकी कटिंग की वीडियो हम आपको अभी समझा देंगे। अब जो कपड़ा हमारे पास बचेगा उसको हम इसी तरह से सेम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड इसलिए कर रहे हैं ताकि जो इसकी कटिंग है वो अच्छे से हो जाए। सो आप देख ही सकते हैं जितनी भी हमारा लहंगा का कपड़ा है उसमें से बचेगा, उसमें हमने 16 इंच का, ध्यान रहे फ्रेंड्स, सिर्फ 16 इंच का हमने निशान। क्या होता है कई बार जितना भी कपड़ा हमारे पास बचता है हम पूरी की मगजी बना लेते हैं, तो नेफे का कपड़ा हमारे पास बचता नहीं है। सो इसमें से हमने 16 इंच की मगजी, आप चाहे कितने मोटे कितने पतले हैं फ़र्क नहीं पड़ता। सो 16 इंच का आप इस तरह से निशान लगा के मगजी आप कट कर सकते हैं। चाहे किसी भी साइज़ की आप मगजी कट करना चाहे वो 16 इंच में आपको अच्छे से फिट हो जाएगी। 5 इंच की हमने मगजी कट करनी है चौड़ाई जो है उसकी, और यहाँ पे हमने 16 इंच कट कर दिया है। बाकी जो कपड़ा बचेगा वो हम नेफे में यूज़ कर लेंगे। सो इस तरह से कई बार क्या होता है नेफा जो हमें अलग कलर का लगाना पड़ता है, जो इस तरह से हमने अलग कलर का नेफा यूज़ करना नहीं पड़ेगा। सो आप देख ही सकते हैं कि हमने मगजी भी कट कर ली है और नेफे का कपड़ा भी हमारा अच्छे से लग गया है। सो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि लहंगा हमारा परफेक्टली तैयार हो गया है, मगजी भी काफ़ी अच्छी लग रही है, गुना भी। सो फ्रेंड्स, आपको लहंगे की सिलाई कैसी लगी ज़रूर बताएं, और कटिंग जो है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसमें जो पैटर्न है वो काफ़ी प्यारा लग रहा है, रेड कलर का, मैरून कलर का। इसमें जो गुना है हमने वो लाइट पिंक कलर का स्पार्कल में लगाया है, जो कि आजकल ट्रेंडिंग में चला हुआ है,
बहुत ही प्यारा जो लहंगा है हमारा बहुत ही अच्छा लगेगा, इसके ऊपर रेड कलर की दुपट्टा काफ़ी अच्छा लगेगा। सो फ्रेंड्स, आपको कटिंग की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। बाय बाय फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग।